Hello everyone, this is Prajwal Verma from MSIT Aspirants. Today in this video we will discuss previous year IMCET cutoff of IMU Navi Mumbai. Okay, तो चलिए start करते हैं आज का video. इस video में हम 2020 का data नहीं देखेंगे क्योंकि ये IMU की website पे available नहीं है. ठीक है, तो इस video में 2016, 2017, 2018, 2019 का data हम देख रहे होंगे, बीएससी नॉटिकल साइंस और एमएससी का. ठीक है, इन दोनों ही प्रोग्राम्स का हम प्रीवियस ईयर का डेटा देख रहे होंगे. ठीक है, आईएमयू नवी मुंबई का ये नवी मुंबई, ओके, मतलब टीएस चाणक्य. ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं. तो यहां पे आप देख रहे होंगे वही 20 सीट रिजर्व होती है, 20 सीट अंडमान के लिए, 10 सीट लक्षद्वीप, 40 सीट सिक्किम एंड सेवन सिस्टर, 10 सीट जम्मू. ओके, ये आप उनके एकेडमिक ब्रोशर में जाके देखिए, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है किसके लिए होती हैं ये रिजर्व. ठीक है, और मैंने एक वीडियो बनाया था इस पर, ठीक है, उसको देख लेगा. तो चलो सबसे पहले बीएससी नॉटिकल साइंस की कट ऑफ की बात करते हैं साल 2016 की. तो ओपनिंग रैंक 23 थी जनरल कैटेगरी की और 1902 रैंक थी क्लोजिंग रैंक फॉर जनरल कैटेगरी इन 2016. ओके, और इन 2017 बात करें तो 9 रैंक ओपनिंग रैंक थी और 2941 क्लोजिंग रैंक थी 2017 में. कट ऑफ थी ओपनिंग रैंक वह 46 रैंक ओपनिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी की और 2251 क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी की. 2019 में 13 रैंक ओपनिंग रैंक थी और 2491 क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी की. तो जैसा कि आप ट्रेंड देख पा रहे हैं, अगर आपकी रैंक लगभग 1800 के अंदर है तो आप सेफ साइड में हैं जनरल कैटेगरी के लिए. ओके, फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस इन टीएस चाणक्य और आईएमयू नवे मुंबई. तो ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं. जैसा आप लोग सभी लोगों को पता है, ईडब्ल्यूएस 2019 में चालू हुआ है. ठीक है, उससे पहले ईडब्ल्यूएस था नहीं. तो 130 रैंक ओपनिंग रैंक थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की और 2645 रैंक क्लोजिंग रैंक थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का. ओके, तो फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2500 रैंक इज सेफ टू गेट सेलेक्टेड इन आईएमयू नवी मुंबई फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस. सो लेट्स टॉक अबाउट ओबीसी कैटेगरी. 85 रैंक वॉज ओपनिंग रैंक इन 2016 एंड 3316 वॉज क्लोजिंग रैंक फॉर ओबीसी कैटेगरी इन 2016. ठीक है, 2016 का हमने डिस्कस कर लिया. 2017 की बात करते हैं, 2017 में 297 ओपनिंग रैंक थी ओबीसी कैटेगरी की और 6372 रैंक क्लोजिंग रैंक थी. जितना मेरे को याद है 2017 में कुछ ज्यादा सीटें थी आपकी आईएमयू नवी मुंबई में, फिर उसके बाद कम कर दी गई थी बाकी कैंपस में. ठीक है, कुछ ऐसा हुआ था 2017 में जितना मेरे को याद आ रहा है. ठीक है, बाकी आप इस चीज को मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अगर मैं गलत बता रहा हूँ. ठीक है, पर मुझे जितना याद है 2017 में सीटें बढ़ाई गई थी. चलो आगे बढ़ते हैं. 2018 में 301 रैंक ओबीसी की ओपनिंग रैंक थी आईएमयू नवी मुंबई के लिए और 3247 क्लोजिंग रैंक थे आईएमयू नवी मुंबई के लिए. जैसा कि आप देख सकते हो, 138 रैंक ओपनिंग रैंक थी ओबीसी कैटेगरी की और 5186 रैंक क्लोजिंग रैंक थी ओबीसी कैटेगरी की. ठीक है, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, नियरली आपकी रैंक 3200 के आसपास है तो आप सेफ साइड में हैं. बाकी कट ऑफ तो 5000 तक गई है, 5000 तक भी सिलेक्शन हो सकता है, बट 3200 विल बी वेरी वेरी सेफ फॉर यू टू गेट सेलेक्टेड इन आईएमयू नवी मुंबई. ओके, एससी कैटेगरी की बात करते हैं. 436 कट ऑफ गई है, मतलब ओपनिंग रैंक गई है 2016 में और क्लोजिंग रैंक सेम ईयर में 16061 गई है. ठीक है, 16061 गई है फॉर एससी कैटेगरी फॉर आईएमयू नवी मुंबई. ओके, और 2017 की बात कर लेते हैं. एससी कैटेगरी में 572 ओपनिंग रैंक गई है और 16508 रैंक क्लोजिंग रैंक गई है 2017 में. 2018 की बात कर लेते हैं, 16078 ओपनिंग रैंक गई है ओबीसी कैटेगरी में, सॉरी एससी कैटेगरी में, और क्लोजिंग रैंक 13386 गई है. 2019 की बात कर लेते हैं, 847 रैंक आपकी ओपनिंग रैंक गई है एससी कैटेगरी में और 9867 रैंक आपकी गई है क्लोजिंग रैंक
फॉर आईएमयू नवी मुंबई फॉर एससी कैटेगरी, ओके ठीक है. इफ यू आर फ्रॉम एससी कैटेगरी सेफ रैंक टू गेट आईएमयू नवी मुंबई इज 9.8k, दैट मींस 9800 रैंक. लेट्स टॉक अबाउट एसटी कैटेगरी. अगर 2016 की बात करें तो 2051 रैंक ओपनिंग रैंक गई है एसटी कैटेगरी. 2051 रैंक जो है वो ओपनिंग कैटेगरी थी एसटी कैटेगरी की, और 15159 रैंक क्लोजिंग रैंक थी एसटी कैटेगरी की 2016. 2017 की बात करें तो 4309 रैंक एसटी कैटेगरी की ओपनिंग रैंक थी और 17265 क्लोजिंग रैंक थी एसटी कैटेगरी की. तो 18 की जो ओपनिंग रैंक थी वो थी 2115 फॉर एसटी कैटेगरी एंड क्लोजिंग रैंक जो थी वो थी 17510 फॉर एसटी कैटेगरी. 2019 की बात करें तो 961 पे ओपनिंग रैंक गई थी एसटी कैटेगरी की और क्लोजिंग रैंक गई थी 14819 पे. ओके तो फॉर सेफ रैंक टू गेट सेलेक्टेड इन आई एम यू नवी मुंबई फॉर एसटी कैटेगरी इज 14500. Okay, that is the safe rank to get selected in IIM Navi Mumbai if you are from ST category. Okay, let's move on. Next is MSc Commercial Shipping and Logistics. Okay, MSc मतलब Master in Science of Commercial Shipping and Logistics. Okay, 2016 में देख सकते हैं किसी ने एडमिशन नहीं लिया, कोई डेटा नहीं हमारे पास इस चीज का. 2016 का कोई डेटा नहीं हमारे पास, ठीक है. एडमिशन लेना मुझे नहीं पता, उनकी वेबसाइट पे ये चीज नहीं अवेलेबल है, ठीक है. 2017 की बात करें, 2017 की बात करें तो 21 रैंक जनरल कैटेगरी गई है ओपनिंग रैंक और 470 क्लोजिंग रैंक गई है 2017 में. उनकी वेबसाइट पे चीज अवेलेबल है. अगर कोई भी डेटा को गलत लगता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है, उस चीज को सही कर देंगे. 2018 की बात करें तो 138 रैंक आपकी ओपनिंग रैंक गई है जनरल कैटेगरी की और 496 क्लोजिंग रैंक गई है जनरल कैटेगरी की. 2018 के ओबीसी कैटेगरी की बात करें, 173 रैंक ओपनिंग रैंक गई है और 540 रैंक क्लोजिंग रैंक गई है ओबीसी कैटेगरी के लिए. और एससी में एक ही बच्चे ने एडमिशन लिया जितना मेरे को आइडिया इस डेटा से, 566 ओपनिंग एंड 566 क्लोजिंग, जैसा कि उनकी वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल है और ये भी देख सकते हो, ठीक है. अगर किसी को कोई आपत्ति हो इस पर, कुछ भी लग रहा हो गलत, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चीज को हम चेंज कर देंगे. 2019 की बात करें तो जनरल कैटेगरी की ओपनिंग रैंक 75 गई है और क्लोजिंग रैंक 344 गई है. ईडब्ल्यूएस में एक ही बच्चे ने शायद एडमिशन लिया है, 147 है वहां पे. और ओबीसी कैटेगरी में 114 ओपनिंग गई है, 416 क्लोजिंग रैंक गई है. एससी की बात करें 214 ओपनिंग रैंक गई है और 490 क्लोजिंग रैंक गई है. और एससी कैटेगरी का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है उनकी वेबसाइट पे, ठीक है. तो यही था एमएससी कॉमर्शियल शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का कट ऑफ. आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें बता देता हूं काउंसलिंग के बारे में. जैसा कि आपको पता है 2020 का डेटा कहीं भी क्लियरली अवेलेबल नहीं है. 2020 में डेटा बहुत वेरी कर रहा था, ठीक है. अगर आपकी रैंक 10K आई है, 3K आ रही है, 5K आ रही है, 4K आ रही है, तो आपको काउंसलिंग कैसे फिल करनी है? क्योंकि जैसा कि मैंने प्रीवियसली बात किया, जनरल कैटेगरी जो हो और बीएससी नॉटिकल साइंस की बात कर रहे हो, आपके चांस बहुत कम है एडमिशन मिलने के, ठीक है. तो काउंसलिंग कैसे फिल कर जाए, तो पहले तो अपनी प्रायोरिटी बना लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी प्रायोरिटी हो सकती है आपके पास, 6-7 प्रायोरिटीज रखना, ठीक है. कॉलेजेस में क्या मैं कहूँगा, 7-8 भी रख लो. सारे कॉलेज में सारी ब्रांचेस की प्रायोरिटी की लिस्ट बना लो, जितने भी कॉलेजेस हैं और जो भी यूजी से मिलते हैं आपको, पूरा लिस्ट बना लो उनकी प्रायोरिटी वाइज, ठीक है. उसके बाद क्या करना है तुमको, जो आपका नंबर वन कॉलेज है, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी आईएमयू की, तो उसमें नंबर वन कॉलेज जो आपने चूज किया है, चाहे आपकी रैंक 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1 करोड़ हो, 1 खरब हो, उससे कोई मतलब नहीं है. जो भी आपको अपने नंबर वन कॉलेज लगता है उसकी नंबर वन ब्रांच, वो आप पहले में फिल करेंगे, दूसरे में दूसरा फिल करेंगे, तीसरे में तीसरा करेंगे और सारे के सारे ऑप्शन फिल करेंगे. कोई भी काउंसलिंग में कोई भी ब्लॉक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है. आप पैसे दे रहे हो, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती ज्यादा फॉर्म भरने की, ठीक है. तो पूरी एक लिस्ट बना लो अपनी प्रायोरिटी वाइज कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है. और इससे आपके चांस बढ़ जाएंगे. मान लेते हैं आप की रैंक 5,000 आई है, तो आपको देखने में लग रहा है जनरल कैटेगरी में नहीं मिलेगा, पर देखो क्या होता है, सारे बच्चे
कभी भी सीट नहीं भर पाते किसी कॉलेज की, ठीक है ये बात कंफर्म कर लो, घुसेड़ लो अपने दिमाग में, कभी भी किसी भी कॉलेज की सारी सीटें फिल नहीं होती हैं, पर बच्चे काउंसलिंग में अपना भरते ही नहीं है, ठीक है समझ रहे हो उस बात को, भरते ही नहीं है वो अपना। तो आपको क्या करना है, काउंसलिंग में अपना भर देना है। मान लेते हैं कि 5000 रैंक आई है, आपको चौथी प्रायोरिटी की चीज मिल रही है, मान लेते हैं आपको आईएमयू चेन्नई कैंपस मिल रहा है, उसमें डीएनएस, और ये आपका बीएससी है चेन्नई से, ये आपका बीटेक है आईएमयू कोलकाता से, और ये आपका आईएमयू नवी मुंबई है। तो ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सीट भरनी नहीं है, तो आपकी ब्रांच शिफ्ट हो जाएगी, आपका कॉलेज शिफ्ट हो जाएगा, प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, जैसी शिफ्ट सीट खाली गई लास्ट राउंड में आपको उसमें शिफ्ट कर दिया। ऐसा हुआ है बहुत बच्चों के साथ हुआ है, कोई नई बात नहीं है, हर साल होता है, ब्रांचेस खाली जाती हैं, सीटें खाली जाती हैं हर कॉलेज में। तो आपकी जो प्रायोरिटी नंबर वन हो उसी को फिल करो, प्रायोरिटी की लिस्ट पूरी बना लो, 10-12 जो भी प्रोग्राम है और उनकी कट ऑफ जो भी है आपको समझना है, पूरी रिसर्च कर लो, प्लेसमेंट जो भी आपको दिमाग में आ रहा है, कॉलेज लाइफ जो भी, पूरी कैलकुलेशन करो, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ और उसी प्रायोरिटी लिस्ट को काउंसलिंग में भर देना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई एम यू सी टी एस्पिरेंट्स साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।